इमाम हुसैन आलम ने अपने कयाम का क्या फ़लसफ़ा बयान किया है अम्र बिल्माफ और नहीं अलमुनकर के क्या फ़ायदे हैं और क्या अम्र बिल्माफ और नहीं अजमुलकर वाजिब करार दिया गया है जानने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में नाजरन कराम सामकुम आप तमाम कुरानी दोस्तों को एक मरतबा फिर से इस कुरानी सफ़र में खुश आमदी दर्ज करते हैं आज हम सूरह मुबारक आरफ़ की आयत नंबर एक सौ चौंसठ की तफसर के साथ हाज़िर हुए हैं

واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون और उस वक्त को याद करो जब उनमें से एक गिरोह ने कहा उन लोगों से जो हफ्ते के दिन शिकार करने वालों को वाजो नसीहत करते थे कि तुम ऐसे लोगों को बेफायदा क्यों नसीहत करते हो जिनको खुदा हलाक करने वाला है या सख्त अजाब में मुबतला करने वाला है उन्होंने जवाब में कहा कि हम ये इसलिए करते हैं कि तुम्हारे परवरदिगार के सामने माजरत पेश कर सके कि हमने अपना फरीज अमरो नहीं कर दिया है और इसलिए कि शायद ये लोग इस रविश से परहेज अख्तियार करें तो ये थी आय करीमा की तिलावत और उसका तर्जमा अब जानने की कोशिश करेंगे इस आयत के जैल में क्या नुकात बयान किए गए हैं बनी इसराइल के तीन गिरोह थे नंबर एक कानून तोड़ने वाले नंबर दो हमदर्द और नसीहत करने वाले नंबर तीन बेपरवाह जिन्हें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये तीसरा गिरोह नसीहत करने वाले दूसरे गिरोह से कहता है खुद को न थकाओ क्योंकि तुम्हारी बातें फासिक लोगों पर असर नहीं करेंगी और वो हर हाल में जहन्नमी है लेकिन नहीं अनिल मुनकर करने वालों ने कहा हमारा काम बेअसर नहीं है कम से कम ये है कि हम अल्लाह ताला के सामने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं और शायद वो हमारी बातों की वजह से कभी तकवा अख्तियार कर ले कुरान मजीद की मुरसलात की आयत नंबर पाँच और छह में खुदा वंदा उन लोगों की कसम खाता है जो उसका जिक्र हज्जत तमाम करने के लिए या तसीर व ख़बरदार करने के लिए दूसरों के सामने करते हैं किताब अमर बिलमूफ और नहीं अनिल मुनकर में हत्ता बेतासीर होने की सूरत में भी अमर नहीं के दस फायदे बयान किए हैं यहाँ मैं उनका खुलासा बयान कर रहा हूँ दिलचस्प बात यह है कि मैं ये सत्रे उस वक्त में लिख रहा हूँ जब मुल्क में अम्र बिल्माफ और आशूरा का हफ्ता मनाया जा रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कयाम के फलसफे में बयान फरमाया है कि माशरे का हक अदा न करने और नहीं अनिल मुनकर पर अमल ना करने की वजह से से हुआ मेरे इस काम से शायद बेवजह खामोशी बेवजह खौफ और मारूफ यानी नेक काम को तर्क करने और मुनकर यानी बुरे काम पर अमल करने के मुकाबले में बेपरवाही खत्म हो जाए नंबर एक कभी हमारा अमर नहीं करना आज असर नहीं करता लेकिन आइंदा लोगों की आदतों और उनके फैसलों में उसका असर होता है इमाम हुसैन अमर बिल मरूफ और नहीं अनिल मुनकर के रास्ते में शहीद हो गए ताकि आइंदा आने वाली नस्लों का जमीर बेदार हो जाए नंबर दो कभी अमरू नहीं करते रहना दूसरों के लिए एक माहौल को बाकी रखता है जैसे अजान कहना मुस्तहब है खा सुनने वाला कोई भी ना हो चौराहे की सुर्ख बत्ती जलने पर ठहरना जरूरी है खा उस वक़्त और कोई गाड़ी ना हो क्योंकि कानून की हिफाजत उसका एहतराम और उस पर अमल हर हाल में जरूरी है ताकि कानून तोड़ने का माहौल पैदा ना हो नंबर तीन कभी हमारा अमरो नहीं करते रहना गुनाहगारों को गुनाह से तो नहीं रोकता लेकिन मुसलसल अमरु नहीं करने से गुनाह से हासिल होने वाली लज्जत में उनके लिए कड़वाहट पैदा हो जाती है और कम अज कम वो पुरसुकून होकर गुनाह नहीं करते नंबर चार आज़ादी को बाकी रखने की खातिर अमरु नहीं करते रहना चाहिए वरना माशरे में घुटन खौफ और सुकूत की फजा छा जाएगी नंबर पाँच अमरु नहीं करने से इंसान का दर्जा बढ़ता है चाहे दूसरे लोग उनकी बात पर कान न धरे कर्न मजीद फरमाता है वमन अहसन कलमन दाअल्ला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि कोई अल्लाह की तरफ दावत दे सूरे आयत नंबर नंबर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना अगर दूसरों आरोप असरअंदाज ना भी हो तो कम अज कम खुद हमारे लिए अल्लाह से करीब होने का एक जरिया है शुजातो बहादुरी की मशक़ से हमदर्दी और वफा का जलवा है नंबर सात कभी हमारा अमरु नहीं करना आज असरअंदाज नहीं होता लेकिन जिस दिन बुराई करने वाला बंद राहों में पहुंचता है और उसका जमीर बेदार होता है तो समझता है कि तुम हक हाँ बात कह रहे थे लिहाजा अगर आज असर नहीं करेगा तो आइंदा कभी न कभी जरूर असर करेगा नंबर आठ अमरो नहीं इंसान के जमीर को पुरसकून करता है इंसान अपने से कहता है कि मैंने अपने फर्ज पर अमल कर दिया ये जमीर का सुकून इंसान के लिए बहुत कीमती है खास दूसरे कान न धरे नंबर नौ बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर अम्बिया का शेवा और उनकी सीरत है अगरचे कोई कान न धरे कराने मजीद फरमाता है वह इदा दुख के रू लायद कुरून जब उन्हें याद दहानी की जाती है तो वो हरगिज अमल नहीं करते साफ़ात आयत नंबर कई मर्तबा फरमाया लोग पैगंबरों की बातों और नसीहतों को नहीं सुनते थे और उनसे मुंह फेर लिया करते थे इसलिए हमें तबको नहीं रखनी चाहिए कि सब लोग हमारी बातों को सुने नंबर दस अम्र बिलमूफ बुराई करने वालों के लिए एक में हुज्जत है ताकि क्यामत में ये ना कह सकें कि किसी ने मुझे नसीहत नहीं की थी इसके अलावा उस शख्स के लिए भी दलील है कि जो अम्र बिलमूफ कर रहा है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी थी ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने अपनी जिम्मेदारी क्यों अदा नहीं की नंबर ग्यारह अजाबो कहरे इलाही के वक्त अमर मारूफ करने वाले नजात पाएंगे बाद वाली आयत इस बात की तरफ इशारा कर रही है अम्बिया और ओसिया अमर मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के रास्ते में शहीद हुए हैं ताकि हक छुपा न रहे और उसे खत्म न कर दिया जाए चुनाचे कुरान मजीद बाज आयत में फरमाता है यकुल अम्बिया आल इमरान आयत नंबर 112 सौ बारह नबीना सूर्य बकरा आयत नंबर इकसठ वखतुल लवीना या मरूना बिलकस्त सूर्य आल इमरान आयत नंबर इक्कीस इन आयात से मालूम होता है की अमर बिलमारूफ के रास्ते में शहादत तक आगे बढ़ते रहना चाहिए हजरत अली अलीलाम ने अपने एक खत में अपने उस नुमाइंदे की मजम्मत की जो किसी दौलतमंद की दावत पर उनके दस्तरखान में शरीक हुआ नहजुल बलागान नामा नंबर पैतालीस ऐसा इसलिए किया कि कहीं जोदो तकवा दौलतमंदों की भेंट न चढ़ जाए लिहाजा एक शख्स को मजहब आरोप फैदा कर दिया तो ये थे आय करीमा के खास नुकात पढ़ते हैं आय करीमा के पैगाम की तरफ नंबर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न तो खुद किसी को मुआवजा करते हैं और न ही दूसरों के मुआवजे को बर्दाश्त करते हैं नंबर दो अपनी लापरवाही के गुनाह की सफाई खुदा की मर्जी से नहीं करनी चाहिए नंबर तीन लापरवाह किस्म के लोग गुनाह करने वालों को टोकने के बजाय बजायरूफ करने वालों पर एतराज करते हैं नंबर चार जो लोग नसीहत और तरबियत की कोशिशों को बेफायदा और बेअसर समझते हैं उनके मुकाबले में डर जाना चाहिए क्योंकि लोगों को गुनाह से न रोकने पर हमारी बास होगी और हमें उसका जवाब देना है नंबर पाँच जल्दबाजी में फैसले करना मना है नहीं कहा जा सकता कि खुदा वंदा फला गिरोह को अजाब या हलाक करेगा क्योंकि शायद वो परहेजगार हो जाए नंबर छह नहीं अनिल मुनकर वाजिब है ताकि फासिक लोग बाईमान हो जाए या अल्लाह ताला के यहाँ अपना उज्र पेश करने की खातिर लिहाजा जरूरी नहीं है कि हर सूरत में नहीं अनिल मुनकर असर करे ताकि हम पर वाजिब करार पाए क्योंकि हम अपने फर्ज को अदा करने के पाबंद हैं उसके नतीजे के जिम्मेदार नहीं है नंबर सात खुदाई लोग समाज की इसलाह से ना उम्मीद नहीं होते इसलिए अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को नहीं छोड़ते तो नाजरीन आज के एपिसोड में हमें मालूम हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों के हक के लिए और अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के खत्म हो जाने की वजह से कयाम किया ताकि इसे दोबारा से ज़िंदा किया जा सके और बिल बिलमूफ़ और नहीं अल्म उनकर एक वाजिब अमल है जिस पर अमल करना ज़रूरी है जिससे समाज से बुराइयाँ दूर होती हैं और इंसान समाज में चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है तो इस रमज़ान सभी कुरान के साथ कुरान पढ़ें भी कुरान समझें भी मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए शुक्रिया खुदा हाफ़ कुरान क़ुरानी समाज की